पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़े थे और सारा सिलेबस देखा था। अब आज हम समास पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा हम प्रत्यय की ओर ध्यान देंगे। तो प्रत्यय आपको समझा दें, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय उपसर्ग में क्या होता था कि उसके पूर्व में, उसके क्या शुरू में एक शब्द दूसरे शब्द में मिलता था तो क्या एक नए शब्द का निर्माण करता था। अब प्रत्यय में क्या होता है कि प्रत्यय में एक शब्द दूसरे शब्द के कहां कहां जुड़ेगा? पीछे, अंत में। ठीक है, प्रत्यय में क्या होता है, जब एक शब्द दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन ला देता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यय। क्या? कि एक शब्द दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन ला देता है वो प्रत्यय कहलाता है। परिभाषा लिख लो, एक शब्द जब दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन ला देता है वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ई प्रत्यय है, एक उदाहरण लेते हैं कि ई प्रत्यय है। अब ई से क्या बन जाएगा? मिठाई बन जाएगा। क्यों ई से मिठाई बनेगा? सिलाई, धुलाई, ये सब हमारे किससे? ई प्रत्यय से बन रहे हैं। हाँ, मिठाई, सिलाई, धुलाई, पिटाई। अब क्या करना है, हम इसके थोड़े भेद देखेंगे। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तीन प्रकार के। पहला जो है संस्कृत के प्रत्यय, दूसरा हमारा है हिंदी के प्रत्यय। तीसरा है विदेशी प्रत्यय। अब देखिए कि संस्कृत के प्रत्यय जो हमारी प्रत्यय है वो कौन से? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो जैसे कि कोई भी संस्कृत का है, आई ले लिया, तो इसमें कोई भी पंडताई, ये पंडताई, इसमें क्या जोड़ दिया? आई। क्या था? पंडित था। क्या था? पंडित था ना, पंडित में आई प्रत्यय लगा दिया तो हमारा पंडित आई बन गया। अब इसके बाद ई भी इसी का उदाहरण है जो हम पहले बता चुके हैं। अब हिंदी के प्रत्यय देखते हैं, इसके हिंदी भाषा के देखते हैं। तो हिंदी भाषा में हम जैसे कोई अक्कड़ ले लिया, हिंदी भाषा अक्कड़ लिया, अक्कड़ हमने प्रत्यय लिया तो इससे क्या बन जाएगा? अक्कड़ से भुलक्कड़ और घुमक्कड़।
ऐसे सब बन जाएंगे। अब इसमें एक और कोई आन ले लो, आन हिंदी ले लिया, आन क्या ले लिया, आन ले लिया। तो आन को देखिए, आन से क्या बनेगा, आन से क्या बन सकता है बताइए। संविधान, उड़ान हो सकता है, उड़ान हो सकता है। और संविधान, संविधान से भी हो सकता है, संविधान नहीं हो सकता, संबंध हो रहा है ना उसमें, तो नहीं हो सकता। उड़ान हो गया, उठान हो सकता है, दया, उठ प्लस आन, उठान, ठीक है, ये उदाहरण इसके। अब विदेशी देखते हैं, विदेशी में क्या आएगा, तो कोई विदेशी में काल ले लेते हैं, क्या काल, तो दस्तकार, शिल्पकार, शिल्पकार, ठीक है, ये अपने कार के विदेशी के उदाहरण हो गए। अब हम अपने मेन टॉपिक जो समास है उस पर आते हैं। अब समास, समास क्या होता है, ठीक है, तो समास की परिभाषा क्या होती है, जब दो शब्द होते हैं, दो अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग शब्द हैं, वो अलग अलग शब्द दो आपस में जब मिलते हैं तो एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा समास, ठीक है। तो समास की परिभाषा क्या होगी, जब दो अलग अलग शब्द मिलते हैं, नहीं मिलकर, जब दो अलग अलग शब्द मिलकर तीसरे शब्द का, दो अलग अलग शब्द मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, उसे समास कहते हैं। अब क्या देखना है कि समास में हमें पहले दो तीन चीजें ध्यान में रखना है, क्या, एक उपमा, उपमेय, एक और विशेषण और विशेष। जब हम ये तीन चीजें जान जाएंगे तो हमें समास समझ में आने लगेगी। अब ये देखिए उपमा क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमा उपमेय, जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं, चंद्र गहना या चंद्रमुखी ले लेते हैं, जैसे कि हमने चंद्रमुख ये उदाहरण लिया, अब इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस मुख, ये हुआ चंद्र अलग हो गया, मुख अलग हो गया, ये विच्छेद हो गया, समास वगैरह। अब चंद्र ये समझिए कि उपमा हमारा वो होगा जो कोई स्पेशल है, ठीक है, कोई एक हो, कोई एक हो, ठीक है, तो चंद्रमा के एक ही है, चंद्रमा एक ही है, दो तो चंद्रमा है नहीं, और मुख, मुख कई मिल सकते हैं, तो उपमा क्या होता है,
मुख किसके समान है? चंद्र के समान। तो वो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है वो उपमा होगा, उपमेय क्या होगा? मुख, जो साधारण सी चीज है। साधारण सी चीज क्या होगी? उपमेय। जैसे मतलब हर कहीं भी वह वस्तु हर कहीं भी पाई जा सकती है, तो वो अपनी उपमेय में आ जाएगी। उपमा ऐसा होगा कि कोई एक ही होगा, हर जगह नहीं मिलेगा, वो कोई स्पेशल वस्तु होगी, स्पेशल कोई भी चीज होगी, तो वो क्या आएगा? उपमा। ये हमें उपमा उपमेय समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि एक और बोल ले लो, नील कमल। देखो जैसे इसको विग्रह करेंगे तो नील प्लस कमल आएगा। तो ये देखिए कि कमल तो हर जगह मिल सकते हैं, कोई लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, कई कलर के कमल होते हैं, तो कमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नीला कमल क्या होता है? एक ही होता है कि नहीं? नीला कमल तो एक ही होगा। तो ये हमारा नील हो जाएगा क्या? उपमा। और कमल हो जाएगा हमारा क्या? उपमेय। तो ये हमारा उपमा उपमेय हो गया। इसको ध्यान रखना, आगे से ये काम आएंगे समास में। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व पद क्या है और प्रधान पद क्या है, ठीक है। तो इसे हम पहले बता देते हैं कि पूर्व पद जो आगे वाला होता है, पूर्व पद आगे नहीं, मान लो कि कोई भी हम विद्या प्लस आलय, विद्यालय का है तो ये ले लिया। तो जो विद्या है ये हमारा पूर्व पद है, जो प्रथम पद, जो प्रथम शब्द होगा वो हमारा क्या है? पूर्व पद होगा। और जो प्रधान पद होगा वो क्या है? पीछे का लास्ट का जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? प्रधान पद। जैसे विद्या के लिए आलय, आलय में घर, विद्या के लिए एक घर। तो क्या हो गया कि जो हमारा क्या प्रथम पद वो होगा हमारा क्या? पूर्व पद। और जो हमारा लास्ट का आखिरी पद होगा वो हमारा प्रधान पद होगा। ये समझ में आया? अब देखते हैं क्या विशेषण और विशेष, ठीक है। नील कमल है जैसे, तो नील कमल में विशेषण किसे कहेंगे? विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषता बता रहा हो, ठीक है। और विशेष वो होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे कि नील है, ठीक है। नील क्या है? कमल की विशेषता बता रहे हैं कि कमल नीला है, ठीक है। कमल क्या है? नीला है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या हो गया? विशेष, ठीक है। इतना समझ में आ गया? विशेषण पढ़ लिए, विशेष पढ़ लिए, ठीक है। और पूर्व पद हुए, उत्तर पद हुए, उपमा हुआ और उपमेय हुए, ठीक है। ये समझ में आ गए? अब भेदों की ओर चलते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास। और दूसरा होता है तत्पुरुष समास। और तीसरा होता है अपना कर्मधार समास। ठीक है, पहले तीन पढ़ते हैं फिर तीन और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास, ठीक है।
ठीक है। अव्ययीभाव समास पर आते हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि हमारा जो प्रथम, ठीक है, पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद होता है वो प्रधान होता है, अव्ययी होता है। ठीक है, और दूसरा गौण हो जाएगा। ठीक है, तो अव्ययी, अव्ययी जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे 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 में कि अव्ययी क्या होता है, अव्ययी जिस पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, जिस पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि कोई भी कारक हुआ, ठीक है, लिंग, काल, समय, इन किसी का भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चार चीजें हैं, इन अव्ययी भाव समास को रोक नहीं सकती हैं। ठीक है, कारक, लिंग, काल और समय, इनका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं आजीवन। ठीक है, एक उदाहरण लिया आजीवन। ठीक है, आजीवन उदाहरण लिया तो आजीवन है ये तो क्या है, अमर है, इस पर समय का कोई असर पड़ रहा नहीं पड़ रहा ना। अब दूसरा ले लेते हैं भरपेट। भर पेट मतलब भर पेट। ठीक है, इस पर कोई और है, जैसे कि इस पर कारक चिन्ह होते हैं, जैसे का, की, के लिए, से, द्वारा, ये, इनका भी कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग हुआ पुल्लिंग, ठीक है, इसमें भी ये भी नहीं आते हैं, कोई संख्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं किस पे, तत्पुरुष समास पे। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कौन सा, दूसरा पद। ठीक है, और इसमें जो अपने कारक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम उन्हें विच्छेद करेंगे तो कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर आएगा, किसमें, तत्पुरुष समास में, का, की, के। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, का, की, के लिए, के द्वारा, ठीक है, से, ये सब इसको विच्छेद करने पर तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण लिया रसोई घर, क्या लिया, रसोई घर, तो रसोई घर अब इसको विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर तो होगा, घर के लिए रसोई तो है नहीं। ठीक है, क्या होगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर, ये क्या हो गया अपना, जैसे कि पुस्तकालय, एक इसके लिए हो गया, पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, इसमें सब में क्या आएगा, कारक चिन्ह आएंगे, विच्छेद करने पर कारक चिन्ह आएंगे। ठीक है, समझ में आए, तत्पुरुष समास इसका दूसरा पद प्रधान होगा, कौन सा, दूसरा, जैसे कि इसमें क्या है, घर, तो घर ही क्या है, प्रधान होगा। ठीक है, अब हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा, उत्तर पद, पीछे वाला। ठीक है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें क्या, किसका प्रयोग होता है, जो हम पहले बता चुके हैं, क्या, विशेषण, विशेष
और उपमा उपमेय। इनका प्रयोग होता है और इसकी एक खासियत है कि इसको विग्रह करने पर ज्यादातर क्या आता है जो, ठीक है। जैसे कि कोई भी ले लें, हम क्या लें, महाराजा, ठीक है, तो इसको विच्छेद करने पर क्या आएगा, महान है जो राजा, ठीक है जो आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा, इसमें कौन सा अपना लग रहा, विशेषण विशेष वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ महान उसकी क्या है, विशेषता, ठीक है। और राजा क्या है, राजा क्या है, अपना विशेष है, ठीक है। तो ये अपना ये लगेगा इसमें, और है जो आ रहा है बीच में, तो इसकी ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि 95% है जो ही वाले रहते हैं, ठीक है। बीच में विच्छेद करें तो है जो ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है काली मिर्च, काली मिर्च। अब इसको विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, काली है जो मिर्च, ठीक है, काली है जो मिर्च, ठीक है। जैसा कि इसमें क्या हो रहा है कि ये भी इसमें विशेषण विशेष वाला लग रहा है, काली है जो मिर्च। और ले लें तो नीलकमल हो ही गया, नील गाय, ठीक है, नील गाय ले लें उदाहरण, तो नील गाय भी इसी का होगा, नीली है जो गाय। सब में उपमा, जैसे हमने बताया था चंद्रमुख, बताया था चंद्रमुख, तो कोई स्पेशल चीज आए, ठीक है, तो वो क्या होगी, क्या होगी, उसमें उपमा उपमेय लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अपना चौथा भाग है, इसका भेद है द्विगु समास। पांचवा है क्या, द्वंद्व समास, और छठा क्या है, बहु वीरही समास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, द्विगु समास पे आते हैं, कौन से, द्विगु समास पे। तो द्विगु समास में क्या होता है, समझना, द्विगु समास में पूर्व पद मीन्स पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होता है, हमेशा पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, पूर्व पद हमारा संख्यावाचक होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका उत्तर पद भी पूर्व पद हो जाता है। तो द्विगु समास में कोई भी, मतलब संख्या का जिक्र होता है, किसका, संख्या का जिक्र होता है, कोई भी, जैसे कि चौराहा, ठीक है, चौराहा, और ठीक है, चौराहा क्या होगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, ये क्या हो गया, चौराहा, ठीक है। दोपहर, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, ठीक है। तो जिसमें क्या है, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, और एक समूह की बात हो रही हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा क्या होगा, द्विगु समास, ठीक है। अब आते हैं द्वंद्व समास पर,
देखो द्वंद समास में क्या होता है कि जो हमारे दो पद होते हैं उत्तर पद पूर्व पद, तो दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें और एक चीज और रहती है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बीच में, जिस किसी भी शब्द में, मतलब कोई भी समास है जिसमें योजक चिन्ह लगा है तो आप पहले से ही समझ जाइए क्या है वो, द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे कि माता पिता, इसमें क्या है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, समझ में आया। तो जिसमें योजक चिन्ह लगा हो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद समास। ठीक है, और क्या, दिन रात। ठीक है, तो ये दोनों बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद, दोनों पद होते हैं जो, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है कि जो थर्ड शब्द निकल के आता है, तीसरा शब्द निकल के आता है, वो हमारा प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें सारे क्या होते हैं, भगवानों के जो ईश्वर होते हैं उनके नाम होते हैं सब, सभी उदाहरणों में, या कोई बड़ा आदमी है तो उसका नाम होता है। जैसे कि दशानन, ठीक है, पीतांबर, नीलकंठ और गजानन। ठीक है, मुरलीधर। ठीक है, इतने उदाहरण देखते हैं। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। रावण, ठीक है, तो रावण एक बड़ा आदमी है कि नहीं? ठीक है, तो दस ठीक है, दस है आनंद जिसके, अर्थात क्या हुआ, रावण। तो ये रावण जो निकल के आया अपना, ये होगा अपना क्या, प्रधान। ठीक है, पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का क्या होगा, नहीं पीले वस्त्र। पीले वस्त्र कौन पहनता है, पीले वस्त्र कौन पहनता है, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान, ठीक है, तो ये हमारे ऐसे ही, जैसे नीलकंठ है तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका, शिव शंकर जी का। गजानन, गज के समान आनंद मतलब मुख, ठीक है, तो वो कौन से हैं, गणेश जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण कन्हैया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है।